हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बना रहे हैं रोहू फिश करी। तो सबसे पहले मछली को अच्छे से धो करके इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। ये फ्राई हो गया हमारा मछली, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके लिए जो मसाले हैं उसे पेस्ट बनाएंगे। उसमें हमने डाला हरी मिर्च और लहसुन और सरसों। उसके बाद इसे पेस्ट बनाने के बाद फिर टमाटर को उस तेल में डाल करके फ्राई करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद फ्राई करने के बाद हम वो जो पेस्ट बनाए थे मसाला का, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। उसके बाद उसे भी थोड़ा देर भुनने के बाद उसमें ऐड करेंगे हल्दी और कुछ थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम जो फ्राई किए हुए थे मछली, उस मछली को भी इसमें डालेंगे। और ये पेस्ट रेडी हो गया, और अब हम इसे मछली ऐड करने वाले हैं। ये रोहू मछली इसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ देखिए, सारा मछली हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। इसे थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें हम जो पेस्ट किया हुआ मसाला था उसमें कुछ पानी इसमें डाल करके, वो पानी जो बचा था इसमें डाल दिए ग्रेवी के तौर पे। उसके बाद अच्छे से और पानी इसमें डालेंगे। अच्छे पानी डालने के बाद ये फिश करी हमारा रेडी हो गया। अब इसमें गार्निश के तौर पर हम इसमें ऐड करने वाले हरी धनिया, तो धनिया पत्ता है, इसे अच्छी तरह से तोड़ के इसमें हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। और फाइनली हमारी मछली जो है वो रेडी है खाने के लिए। थैंक यू।